इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का है यह मामला। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान और धुआं दिखने के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। उसके कैबिन में धुआं भर गया। अचानक से विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये देखिए तस्वीरें उस विमान के अंदर की हम आपको दिखा रखे हैं। जिस वक्त विमान में धुआं भरा, अचानक से ये कहां से आया किसी को नहीं पता, लेकिन जो यात्री उसमें बैठे हुए थे वो खुद पंखा करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सफोकेशन भी हुई थी क्योंकि कैबिन में एकदम से धुआं भर गया था। उसके बाद स्पाइसजेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इसमें बड़ी राहत की बात यह है कि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और दीपक इस खबर पर मेरे साथ मौजूद है। दीपक, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था? क्या टेक्निकल फॉल्ट आया? कैसे ये कैबिन में धुआं भर गया? जी, आपको बता दें, आज सुबह की घटना है। SC-2962 स्पाइसजेट की फ्लाइट थी। ये दिल्ली से जबलपुर की तरफ जा रही थी। 5000 फीट की ऊंचाई पर आसमान में ये आगे की तरफ बढ़ रही थी। उसी दौरान केबिन में लगातार धुआं भरने लगा। ऐसे में जो यात्री थे उन्होंने इस बात की सूचना केबिन क्रू को दी, और इसके साथ साथ केबिन क्रू के द्वारा पायलट को ये सूचना दी गई। पायलट ने तत्परता दिखाई और फौरन ही 5000 फीट से फ्लाइट को मोड़ा गया, फिर से दिल्ली की तरफ, और सेफ लैंड कराया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में यात्री सवार थे। जिस वक्त की ये घटना है, जब केबिन में लगातार धुआं भरना शुरू हो गया था, तो यात्री जिस तरह से तस्वीरों में दिख रहा है कि मैगजीन लेकर उस धुएं से बचने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों की सांस फूलने लगी थी। हालांकि टेक्निकल फॉल्ट था या तकनीकी क्या कुछ दिक्कत आई है वो कुछ समय के बाद स्पाइस जेट की तरफ से साफ किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की ये भयावह घटना है, कहीं ना कहीं तमाम यात्रियों की जान काफ़ी मुश्किल में थी, सांसत में थी, और पायलट ने बहुत ही बुद्धिमानी से तत्परता दिखाते हुए 5000 फीट की ऊंचाई से फ्लाइट को मोड़ा और दिल्ली में सेफ लैंड कराया गया है। तो बड़ी घटना एक बड़ा हादसा होते होते टला है, जिसमें तमाम यात्री सवार थे वो काफ़ी उस वक्त डरे हुए थे। जी